हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि F-18 सुपर हार्नेस के आगे राफेल भी फेल हो गया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए फ्रांस के दसाल्ट एविएशन के राफेल यम यानी मरीन वर्जन और अमेरिकी कंपनी बोइंग के F-18 सुपर हार्नेस के बीच मुकाबला होने वाला है। इसकी शुरुआत 10 जनवरी को गोवा में नेवी INS हंसा पर बने 60 बेस्ट टेस्ट फैसिलिटी से राफेल यम के स्काई जंप के साथ हुई थी। भारतीय नौसेना के पास अभी 45 MiG-20 के फाइटर जेट्स मौजूद हैं, यानी इसकी 3 स्क्वाड से भारतीय समुद्री सीमा हवाई चौकसी हो रही है। करीब एक दशक पहले इसे रूस से खरीदा गया था। इसके इंजन में समस्या होने के साथ ही कुछ और तकनीकी परेशानियां हैं, इसके चलते इसे पेज आउट करने की तैयारी की गई। इसे ध्यान में रखकर ही सबसे पहले राफेल मरीन का गोवा में ट्रायल किया गया। अगर आपको ऐसे लड़ाकू एयरक्राफ्ट के बारे में जानना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।